अपने आका को मैं नजर क्या, यानी एतराब करना कि या अल्लाह ये जो तेरी नेमत है आजी के साथ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, नंबर एक। नंबर दो, बदन और आजा के साथ शुक्र करना, यानी वफादार रहना और अताअत करना, वफादार रहना और अताअत करना। अताअत से मुराद वफादार से मुराद, वफादार से मुराद यह है कि रब के जो अहकाम हैं उस पर अमल करोगे तो वफादार कहलाओगे, और फिर ताबे हो जाओगे, बाज आ जाओगे बुरे अमल से तो अताअत गुजार कहलाओगे। ये दूसरी किस्म है शुक्र की। तीसरी, दिल के साथ शुक्र करना कि अल्लाह ने जो तुम पर अपना करम और फजल का दरवाजा खोला किसी हाल में नहीं। जैसे कि आजकल तंगदस्ती के भी हालात चल रहे हैं, बीमारियों के भी बड़े मसाइल चल रहे हैं, इन हालात में जो अल्लाह ने तुम्हें तंग दस्ती से बचाया, बोलो सुभान अल्लाह, जो तंग दस्ती से बचे उनकी तो आवाज ऊंची निकलनी चाहिए ना। जो तुम्हें तंग दस्ती से बचाया, जो तुम्हें बीमारी से बचाया, ये अल्लाह का तुम पर एहसान है, और इस एहसान का शुक्र करना भी उन तीसरी किस्म में शामिल है कि जो बेहतरीन शुक्र बजा लाने वाले हैं। बात समझ आई शुक्र की? थोड़ी सी नजर क्या।